दोस्तों आज जो फ्लैट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो इसी छतरपुर इंक्लेव फेज टू के अंदर है। दोस्तों आपको पता होगा छतरपुर इंक्लेव फेज टू का ए ब्लॉक वेल कनेक्टेड है आपका 100 फुटा रोड से। दोस्तों आप देख सकते हैं इस कॉलोनी के अंदर कितना पीसफुल एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है। दोस्तों छतरपुर इंक्लेव से कनेक्टिविटी की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त है, हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर आप दोनों मेट्रो स्टेशन कवर कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन गहलोत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सस्ता घर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सस्ता घर आज फिर से आपके लिए एक नई प्रॉपर्टी लेकर आया। आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा छतरपुर इंक्लेव फेज टू के ए ब्लॉक के अंदर दिखाऊंगा। दोस्तों आपको पता होगा छतरपुर इंक्लेव फेज टू का ए ब्लॉक वेल कनेक्टेड है आपका 100 फुटा रोड से, और दोस्तों मेट्रो से बात करूँ तो हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर आप दोनों मेट्रो स्टेशन कवर कर पाएंगे। और नीड्स की बात करूँ तो डेली नीड्स की चीज़ें आपको कॉलोनी के अंदर मिल जाती है। अगर खाने पीने के आप शौकीन हैं तो कॉलोनी के बाहर आपको डोमिनोज, नथूस और हल्दीराम जैसे आउटलेट मिल जाते हैं जहाँ जाके अपना फूड आप इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी प्राइम लोकेशन है, तो वीडियो को ज़रूर देखें और विजिट करने आप ज़रूर आएँ। दोस्तों अब चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ, वहीं जाके बताऊंगा किस तरह की प्रॉपर्टी है और किस तरह के फिटिंग और फिक्स के साथ प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। अब चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। दोस्तों इस बिल्डिंग की पार्किंग हम आ चुके हैं, पार्किंग काफ़ी बड़ी आपको मिल रही है और पार्किंग के अंदर कुछ नहीं बनाया हुआ है तो खुली पार्किंग आपको मिल रही है, पार्किंग प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। फ्लोरिंग की बात करें तो ग्रेनाइट की फ्लोरिंग आपको लगा के दे रहे हैं, ऊपर सरफेस लाइट और वाइट कलर का पेंट करके दे रहे हैं। अब चलते हैं इसकी स्टेयर्स की तरफ। अगर मैं बात करूँ स्टेयर्स की चौड़ाई की तो अप्रोक्स 3.5 फीट की चौड़ाई, 10 इंची का स्टेप, 6 इंची का राइजर आपको मिल रहा है और लिफ्ट भी इसमें आपको मिल रही है जो वर्किंग है, और लिफ्ट के एंट्रेंस को काफ़ी अच्छी क्लैडिंग करके दे रहे हैं टाइल से जो काफ़ी अच्छी लग रही है एंट्रेंस। अब चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ, वहीं जाकर बताऊँगा किस तरह का फ्लैट है और किस तरह के फिटिंग और फिक्चर के साथ आपको फ्लैट मिल रहा है। अब चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। दोस्तों अपने फ्लैट के अंदर हम आ चुके हैं। आज जो फ्लैट मैं आपको दिखाने वाला हूँ 125 गज का 3 BHK फ्लैट है, 250 गज की बिल्डिंग है, एक फ्लोर पर 2 फ्लैट है तो 125 गज का एक इस फ्लैट का आपको साइज मिल रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं डोर की स्पेसिफिकेशन, किस तरह का डोर आपको मिल रहा है। अगर मैं डोर की हाइट की बात करूँ तो 3.5 फीट x 8 फीट की आपको डोर की एंट्रेंस मिल रही है जिसमें लैमिनेट लगाई हुई है दोनों साइड, SS का लॉक आपको मिल रहा है और एंटर करती है आपको 11 फीट x 20 फीट का लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मिल जाता है जो अपने आप पे काफ़ी अच्छा साइज है। दोस्तों इसमें आपको टाइल लगा के दे रहे हैं, टाइल का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, 32x64 की टाइल लगाई हुई है, इससे देख सकते हैं जॉइंट्स कम दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी फ्लोरिंग लग रही है। सामने आपको TV की वॉल देख सकते हैं, स्प्लिट AC का कंड्यूट मिल जाता है, स्विच सॉकेट आपको एंटर करते ही मिल जाते हैं, ये पूरी L वॉल आपको मिल जाती है जहाँ पर अपना सोफा सेट लगा सकते हैं, तो बिल्कुल सामने आपको TV की वॉल मिल रही है। वर्टिकल कोप के साथ फॉल सीलिंग, बीच में भी कुछ डिजाइनिंग करके दे रहे हैं, फैन आपको लगा के दे रहे हैं क्रम्पटन के, और देख सकते हैं कंसील लाइट आपको लगाई हुई है, कोप में भी लाइट लगाएंगे और अच्छी एनहेंस करेगी आपकी फॉल सीलिंग। ओपन किचन आपको मिल रही है, किचन में देखते हैं एंट्रेंस को काफ़ी अच्छा एनहेंस किया हुआ है, इसमें आपको स्टोरेज के लिए प्रॉपर एक शोकेस टाइप में बनाया हुआ है, यहाँ आप स्टोरेज कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो इसमें बीच में पार्टीशन करके उस एरिया को इस एरिया को अलग कर सकते हैं और दोनों तरफ आप अपने तरीके से सामान रख सकते हैं। एंटर करती यू शेप में किचन आपको मिल जाती है, इसमें ग्रेनाइट की आपको टॉप मिल रहा है, सिंगल बाउसिंग वॉल मिक्सचर आपको मिल रहा है सेरा का, और जितने भी आपको इसमें बास्केट मिल रही है ये सेमी मॉडल किचन है, इसमें वायर बास्केट मिल रही है देख सकते हैं, इसमें इसका कटलरी हो गया, बोतल पुल आउट, थाली बास्केट और हाई ग्लॉस लैमिनेट का यूज़ किया हुआ है, नीचे डार्क कलर की ऊपर लाइट कलर की, ये चिमनी का स्पेस आपको मिल रहा है, एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है और क्रम्पटन का आपको गीजर भी लगा के दे रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि टाइल भी काफ़ी अच्छी लगाई हुई है और ऊपर सरफेस लाइट आपको लगा के दे रहे हैं। इसमें बेडरूम की बात करें, इसमें 3 बेडरूम आपको मिल रहे हैं, एक फ्रंट साइड में, एक बैक साइड में, एक सेंटर में आपको मिल रहा है, उसमें वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर शाफ्ट आपको मिल रही है। तो पहले मैं बैक साइड वाला बेडरूम आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इस फर्स्ट बेडरूम में आ चुके हैं, अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ अप्रॉक्स 11 फिट x 12 फिट का आपको मिल रहा है जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा साइज़ है,
ये बेड के पीछे वाली वॉल है, इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं वॉलपेपर से। आप चाहते हैं तो इसमें लूवर्स का यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें पीओपी में मोल्डिंग्स बना सकते हैं। आप चाहते हो तो अपने हिसाब से इस वॉल को इन्हेंस कर सकते हैं। ऊपर वर्टिकल कोफ के साथ फॉल सीलिंग, काफ़ी अच्छी स्मूथ वॉल आपको मिल रही है। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का वर्क किया हुआ है, वाइट कलर का पेंट आपको करके दे रहे हैं। इसके अंदर एक वार्डरोब आपको मिल रही है, देख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी अप्रॉक्स 5 फीट बाई 8 फीट की वार्डरोब आपको मिल रही है। नीचे फ्लोरिंग की बात करें तो इसमें 2x4 की हाईग्लॉस टाइल का यूज़ किया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए इधर एक फिक्स ग्लास विंडो, ओपन वेल विंडो और ऊपर विंडो एसी का प्रोविजन आपको मिल रहा है। डोर आपको मिल रहा है बालकनी में जाने के लिए। बालकनी दिखाने से पहले मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। दोस्तों वॉशरूम में बात करें तो आपको फ्लोर माउंटेड शीट सेरा की मिल रही है। सेरा का पेस्टल वॉश बेसिन, सेरा का वॉल मिक्सचर आपको मिल रहा है और बेसिन मिक्सचर भी आपको सेरा का ही मिल रहा है। टाइल देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लगाई हुई है। ऊपर सफेद लाइट लगा के दे रहे हैं। क्रम्पटन का गीजर आपको मिल रहा है और सावर भी आपको ऊपर लगा के दे रहे हैं। दोस्तों अब इसकी बालकनी में आपको दिखा देता हूँ। पीछे भी बालकनी आपको मिल रही है। हम चाहते हैं तो इस एरिया को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज ए वॉशिंग एरिया। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ वॉशिंग एरिया आप लगा पाएंगे इजिली। तो एरिया को यूटिलाइज़ किया हुआ है। पीछे अप्रॉक्स 3 फीट की आपको बालकनी मिल रही है। साइज़ की बात करें 12.5 फीट ये स्पेस आपको अलग मिल जाता है। और वेंटिलेशन के लिए अप्रॉक्स 4 फीट का स्पेस छोड़ा हुआ है। 4 फीट बाई 15 फीट का स्पेस छोड़ा हुआ है। इसमें क्रॉस वेंटिलेशन आपका अच्छा रहे और जितना भी कॉमन एरिया है इसमें भी वाइट कलर का पेंट आपको करके दे रहे हैं। दोस्तों चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम की तरफ। दोस्तों जैसे आप लिविंग स्पेस से बेडरूम की तरफ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा ये स्पेस मिल जाता है। लॉबी स्पेस आप चाहते हैं तो इस वाली जो आपकी फॉल सीलिंग है इसको काफ़ी अच्छा इन्हेंस कर सकते हैं। इसमें आप लूवर्स यूज लगा कर सकते, लूवर का यूज कर सकते हैं जो पीवीसी लूवर्स आते हैं, या वुड का भी यूज कर सकते हैं। कुछ इसमें पैनलिंग करा सकते हैं, तो इस वॉल पर आप मॉडलिंग लगा सकते हैं, कोई वॉल पेपर लगा के तो इस एरिया को अच्छा इन्हेंस कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा एरिया आपको मिल रहा है। अब आगे इसके सेकेंड बेडरूम की तरफ इसके साइज़ की बात करें तो ये भी 11 फीट बाई 12 फीट का मिल रहा है, जिसमें ये एरिया आपका लेस हो जाता है। जिसमें आपको अप्रॉक्स 1.5 फीट की वार्डरोब मिल रही है, 1.5 फीट चौड़ाई की, हाइट 7 फीट की मिल रही है। इसमें देख सकते हैं स्लाइडर डोर्स आपको मिल रहे हैं जिससे आपका रूम का स्पेस ख़राब ना हो। ऊपर वर्टिकल कोफ के साथ फॉल सीलिंग मिल रही है, काफ़ी अच्छी स्मूथ वॉल आपको मिल रही है। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का वर्क किया हुआ है, पेंट वर्क आपको करके दे रहे हैं। वेंटिलेशन के लिए देख सकते हैं ओपन विंडो और विंडो एसी का प्रोविजन आपको मिल रहा है। फैन इसमें आपको लगा के दे रहे हैं। दोस्तों अब चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये कॉमन वॉशरूम भी है और इसको अटैच भी कर सकते हैं, बेडरूम से बिल्कुल अटैच है। दो गेट आपको मिल रहे हैं, जो एक आपका लिविंग स्पेस की तरह ओपन होता है और एक आपको बेडरूम की तरह ओपन होता है। साइज़ काफ़ी अच्छी दिया हुआ है। इस टॉयलेट का अगर बात करूँ तो अप्रॉक्स 5 फीट बाई 10 फीट का इसका टॉयलेट का साइज़ आपको मिल रहा है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा साइज़ है। इसमें वॉल मिक्सचर सेरा का आपको मिल रहा है, फ्लोर माउंटेड शीट आपको मिल रही है, वैनिटी मिल रही है काफ़ी अच्छी, और वाइट कलर की टाइल का यूज़ किया हुआ है। अब चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम के साइज़ की बात करें तो ये 12 फीट बाई 11 फीट दिया हुआ है। इसमें भी ऑनेक्स टाइल वाइट कलर की लगाई हुई है। वार्डरोब इसमें स्लाइडर मिल रही है जिससे कि आपका रूम छोटा दिखाई ना दे। जैसे डोर हम खोलेंगे तो रूम छोटा हो जाता है, तो इस वजह से स्लाइडर वार्डरोब आपको दे रहे हैं। ऊपर वर्टिकल कोफ के साथ फॉल सीलिंग, फैन आपको लगा के दे रहे हैं और स्मूथ वॉल आपको मिल रही है। और एलिवेशन पर देख सकते हैं काफ़ी बड़ी विंडो दी हुई है। नीचे फिक्स ग्लास, ओपनेबल और विंडो एसी का प्रोविजन मिल रहा है। और एक डोर मिल रहा है 3 फीट का जो आपका बालकनी में ओपन होता है। इसमें भी लैमिनेट लगा के दे रहे हैं और एसएस का लॉक आपको मिल रहा है। दोस्तों इस बालकनी के साइज़ की बात करें तो ये भी अप्रॉक्स आपको 3.5 फीट बाई 11 फीट की बालकनी मिल रही है, जिसमें फ्रंट एलिवेशन पर एसएस की रेलिंग, इसमें टफन ग्लास लगाया हुआ है और जितना भी कॉमन एरिया है इसमें भी रस्टिक का टेक्सचर करके दे रहे हैं और ऊपर वुडन का पेंट आपको करके दे रहे हैं, सरफेस लाइट लगा के दे रहे हैं। दोस्तों पूरा फ्लैट तो आपने देख लिया होगा। ये फ्लैट आपको कैसा लगा, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस तरह की और प्रॉपर्टी देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.sastagarh.in। इस साइट पर जाकर अपने बजट के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी देख पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं प्रॉपर्टी के लैंड टाइटल के बारे में और प्राइस के बारे में। दोस्तों लैंड टाइटल की बात करूँ तो अभी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई है ये GPA की प्रॉपर्टी है, बट ये कॉलोनी पास होने की लिस्ट में है। जो कॉलोनी जो ऑथराइज होने वाली है उस लिस्ट में ये है। तो आने वाले टाइम में जैसे ऑथराइज होगी, जैसे ये कॉलोनी में रजिस्ट्री चालू होंगी तो यहाँ के रेट काफ़ी हाई जाएंगे, क्योंकि ये कॉलोनी रोड के नियर बाई है, लोकेलिटी काफ़ी अच्छी है, एक तरफ का फॉरेस्ट लग जाता है तो काफ़ी अच्छी लोकेलिटी भी है, फ्लैट बड़े बड़े हैं तो मतलब पीसफुल इन्वायरमेंट भी है, लोकेलिटी भी अच्छी है, रोड के नज़दीक भी है और दोनों मेट्रो इजिली आप कवर कर पाएंगे। और सिविल लाइन की जो मेट्रो आ रही है वो भी काफ़ी नियर बाई आ रही है इस प्रॉपर्टी के। तो दोस्तों देर ना करें, अपने विजय सस्ता घर के साथ आज ही लाइन करें। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के प्राइस की। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 65 लाख इसका आस्किंग प्राइस है।
और दोस्तों देर ना करें, एक विजिट करने आप जरूर आए। जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। मैं सचिन गहलोत आपसे फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब खुशियाँ नए पते पर।